भरोसा अगर हो तो भगवान भी आकर मदद करते हैं। ऐसा ही मामला आगरा में कोरोना काल के शुरुआती दौर में सामने आया। नाम था पारस हॉस्पिटल, जिसे सामाजिक अपराध और कोरोना केंद्र की उपाधि दे दी गई और इस दौरान डॉक्टर अरिंजय जैन आलोचनाओं के शिकार हुए थे। लेकिन इंसाफ और भरोसे पर डॉक्टर अरिंजय जैन ने हार नहीं मानी और जाँच हुई और पारस हॉस्पिटल को कोरोना वायरस के दिशा निर्देश के बाद अब खोल दिया गया है, जिसका श्रेय डॉक्टर अरिंजय जैन यूपी के सीएम योगी को दे रहे हैं, जहां आगरा के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार अधिकारी डीएम प्रभु नारायण सिंह और सीएमओ का आभार जता रहे हैं। वहीं निष्पक्ष जांच के बाद डॉक्टर अरिंजय जैन सीएम योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद और शुक्रिया कहते नजर आए। शहर में कोरोना काल में एक हॉस्पिटल का सबसे ज्यादा नाम आया। हॉस्पिटल का नाम था पारस हॉस्पिटल। संचालक के तौर पर डॉक्टर अरिंजय जैन ने उस दौरान तमाम पीड़ाएं झेली थी, उसको लेकर आज उनसे बात करते किस तरीके से हालात रहे और आज क्या स्थिति है और शासन प्रशासन की क्या स्थिति रही, उसको लेकर आज उनकी क्या उनकी विचारधारा है उसको लेकर बात करते हैं। सर, आपको परिचय देते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरिंजय जैन फिजिशियन हूँ और पारस हॉस्पिटल का 2015 से संचालन कर रहा हूँ। सर, कोरोना काल की शुरुआत हुई, देखिए कोरोना काल पारस हॉस्पिटल का नाम आते ही एक तमाम जो मीडिया की सुर्खियों में तो पारस हॉस्पिटल सामने आया। क्या लगता है आज क्या स्थिति रही, क्या पीड़ा रही? देखिए, पारस हॉस्पिटल में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो घटना हुई वो घटना जानबूझ करके नहीं की गई थी, वो घटना एक हादसा थी। अप्रैल माह में ये बीमारी बिल्कुल नई थी, हमारे पास अनुभव नहीं था इस बीमारी को पहचानने का, समझने का, और उतनी जांच सुविधाएं भी उस समय नहीं थी। और उसी समय ये हादसा हुआ कि ये हमारे यहाँ एक महिला जो कि डायबिटीज और किडनी फेलियर से पीड़ित थी और उसका इलाज हमारी आईसीयू में हुआ और किसी कारणवश हमने उसको रेफर किया और रेफर के बाद जब वो मथुरा नेती हॉस्पिटल में पहुंची तो वहाँ उसका कोविड परीक्षण हुआ 4 दिन बाद और वहाँ उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उस रिपोर्ट आने के बाद हमारे सभी डायरेक्ट कांटेक्ट वाले लोगों के टेस्ट हुए, उसमें से कुछ स्टाफ संक्रमित निकला। उसके बाद हमारे यहाँ इलाज करा चुके 14 दिनों में सभी मरीजों के टेस्ट हुए, जिसमें से आगरा जनपद के मरीज भी थे और आगरा जनपद के आसपास के जो जनपद हैं वहाँ के मरीज भी थे, उनमें से भी पॉजिटिव आए लोग। तो एक जानकारी का अभाव, और मैं एक विशेष आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी संक्रमित व्यक्ति थे वो सभी के सभी लक्षण विहीन कोरोना थे जी। उस समय कोरोना का लक्षण विहीन जो रूप है वो बहुत ज़्यादा देखने में था, किसी भी मरीज में ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। जितने भी कोविड पॉजिटिव हुए पारस हॉस्पिटल से संबंधित व्यक्ति, कर्मचारी अथवा मरीज, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आज की जो स्थिति है और शुरुआती दौर की स्थिति थी तो कहीं ना कहीं उसको मैच करके देख सकते हैं इस चीज़। बिल्कुल देख सकते हैं। उस समय बहुत ज़्यादा तैयारियां भी नहीं थी और चिकित्सकों को भी बीमारी को पहचानने का और बीमारी का इलाज देने का अनुभव नहीं था, जाँच सुविधाएँ अत्यंत सीमित थी। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि मार्च और अप्रैल के माह में आगरा जैसे बड़े ज़िले में भी जांच की सुविधा नहीं थी और ये जांच लखनऊ केजीएमसी से होकर के आती थी जी। हमारे जो सैंपल थे वो लखनऊ केजीएमसी से होकर आए थे, एसएन मेडिकल कॉलेज में सुविधा नहीं थी। और आज सितंबर में हमारे यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट लगभग आगरा के हर अस्पताल में उपलब्ध है, जिसमें मरीज को एडमिट करते समय ही रैपिड एंटीजन द्वारा उसके कोरोना पॉजिटिव
या नेगेटिव होने का पता करके उसको हम उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से रख सकते हैं कि कोरोना रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आने पर हम उसे कोविड हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और नेगेटिव आने पर हम उसको अपने यहाँ एडमिट कर सकते हैं। अगर ये सुविधा उस समय होती तो हमारे यहाँ ये हादसा क्यों होता? आज समय का बदलाव हुआ है, लॉकडाउन निकला, सारी चीज़ें निकली। आज विशेष देखा जाए तो हॉस्पिटल किस चीज की कार्रवाई हुई, प्रशासन में किस तरह की आपकी हमें और हमारे हॉस्पिटल को एक अपराधी और एक सामाजिक अपराधी, जनता का गुनहगार के रूप में आप लोगों ने भी दिखाया और प्रशासन और शासन ने भी हमें उसी रूप में समझा कि हम कोरोना के गुनहगार हैं। क्या हमने जानबूझकर कोरोना फैलाया था? कहीं ना कहीं दिल को ये पीड़ा थी कि बिल्कुल पीड़ा थी। पाँच महीने इस पीड़ा में रहे हैं और सामाजिक अपराधी बनकर के रहे हैं। चिकित्सक का काम है अपने यहाँ सीरियस मरीज को इलाज देना और सीरियस मरीज को अटेंड करना, जान बचाना, जीवन रक्षा का कार्य किया और वो महिला कोरोना संक्रमित थी जिससे हमारे स्टाफ और अन्य मरीजों में कोरोना का संक्रमण हुआ। एक बार आपने आज फिर से शुरुआत की है पारस हॉस्पिटल और की। ये पाँच महीने की पीड़ा के बाद आज मैं आपके चैनल से ये व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के नायक माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे समझा और मेरी पीड़ा को महसूस किया। मैं 9 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था आवेदन लेकर के और मैंने उनको पूरी बात आवेदन में रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे दर्द को समझते हुए कि 5 महीने से एक चलता हुआ अस्पताल सील है जिस पर 150 से 200 परिवार आश्रित हैं, रोजी रोटी है उनकी, हजारों से लाखों मरीजों का वो इलाज का, जान बचाने का केंद्र है, 5 महीने बंद रहा और 5 महीने बाद जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरी इस पीड़ा को, एक उत्तर प्रदेश के नागरिक की पीड़ा को, जितनी सहृदयता से सुना मुझे और निष्पक्ष मेरी जांच कराई गई आगरा सीएमओ द्वारा, शासन से पत्र आया कि पारस हॉस्पिटल प्रकरण की जांच प्रस्तुत करें। आगरा सीएमओ ने पूरी घटना की जांच की, पूरी घटना का विवरण, विस्तृत विवरण शासन को भेजा। उसके विचार के बाद शासन ने आगरा जिलाधिकारी को आदेशित पत्र में ये आदेश दिया कि पारस हॉस्पिटल की सीलिंग तत्काल खोल दी जाए और मुझे इतनी खुशी है अपने मुख्यमंत्री जी पर, अपने प्रशासन पर, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर कि उस समय अप्रैल माह में मुझे जिस तरीके से पनिशमेंट दिया गया था और मुझे एक सामाजिक अपराधी की संज्ञा दी गई थी शहर में और लोग मेरे खिलाफ गैर इरादतन हत्या 304 का मुकदमा तक लिखवाने के लिए आतुर थे और मुझे जेल भेज देना चाहते थे, इस तरह की मानसिकता लोगों की थी मेरे प्रति और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्य सचिव जी ने, माननीय डीएम जी ने और श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी ने पूरा विस्तृत संज्ञान लेते हुए और मुझे और मेरे हॉस्पिटल को कार्य करने की अनुमति दी। आज के दो शब्द कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो शासन में जो आपके साथ हुआ, तो जनता के लिए आज क्या मैसेज है? देखिए, मेरे साथ जो हुआ कहीं ना कहीं मैं उसको समझता हूँ कि वो एक हड़बड़ाहट और एक
ना समझी जैसा कदम लिया गया कि कोई एक डॉक्टर इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है। मेरे खिलाफ अपराध भी पंजीकृत किया गया, लेकिन शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय की मेरे दंड को और एक तरीके से सामाजिक जो आरोप लग रहे थे उस चीज को एकदम कन्वर्ट करते हुए उन्होंने आपके साथ इंसाफ जैसी चीज आज की है। बिल्कुल इंसाफ किया है और मैं उनको इसकी कोटि कोटि बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी को नमन करता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री जो निष्पक्ष और सत्य का साथ देने वाले हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद सदैव उत्तर प्रदेश की जनता को मिले। ये साथ ये थी हमारे साथ डॉक्टर अरिंजय जैन, जो कि केंद्र आगरा हम माने वाले अपराधी के तौर पे बताया गया इनको। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम कवायद जांचों के बाद आज इनको एक ऐसा इंसान मिला है जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन और उनको धन्यवाद देते